सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है 23-24 जून को, लेकिन है ये वर्चुअल है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत कमजोर है इस वक्त और हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत। तो सर, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम स्टार्ट यहाँ से लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब तो सभी कह रहे हैं, जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत खराब हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, क्या हमारे एम्बेसडर्स सही पैगाम नहीं पहुंचाते? 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, वो 2,000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। ऐसा ही पैसा हो गया कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। आप नाजीन, गवर्नमेंट मुआशी फैसलों में फंस कर रह गई। IMF से मुआहिदा ताहाल ताखीर का शिकार है। मुआशी बहरान संगीन होता जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए से तजावज कर गया। बदतरीन महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। ये सिर्फ इस खत्ते के अंदर है, चाइना तो पूरी दुनिया में हर जगह पे अपनी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगाई हैं, तो उसे नई मार्केट्स चाहिए। उसको इस वक्त बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया नज़र आई है, इसलिए उसने वहाँ पे उसके साथ ताल्लुकात बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना ने ब्रिक्स के लिए ऑफिशियली श्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट कर डाला, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बहुत चाल समझ चुका है इस टाइम पर। इस टाइम पाकिस्तान को सिर्फ चाइना ही नज़र आ रहा था भीख मांगने के लिए, लेकिन अब चाइना भी पाकिस्तान से हाथ खींचता जा रहा है और इंडिया की तरफ झुकता जा रहा है। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि चाइना भी इंडिया के आगे सर झुका रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसी चीज़ को लेकर अपना रोना धोना कर रहा है, तो मिलकर वॉच करते हैं इस वीडियो को और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखते हैं। जय हिंद। सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है 23-24 जून को, लेकिन है ये वर्चुअल है। तो ये बताइएगा कि इसका मतलब है कि भारत जो है, पहले तो बॉर्डर में मामला खराब हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े टीवी टूटे, लेकिन कारोबार करते रहे आप लोग, लेकिन अभी तो शी जिनपिंग ने बुला लिया और मोदी साहब जा रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं, क्या ये भारत का या मोदी साहब का यू टर्न है कि चाइना के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, या क्या आप समझते हैं कि ये बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है कि इंगेज भी करने है, कॉन्फ्लिक्ट भी रखने है, कोऑपरेशन भी करने है? मतलब क्या माइंडसेट है मोदी साहब का और बीजेपी का और भारतीय सरकार का? सीमा साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। अगर मुझ जैसे औकात का बंदा मोदी जी का दिमाग प्रेडिक्ट कर ले तो मैं फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। देखिए, उनका दिमाग प्रेडिक्ट करना, उनकी स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरी औकात से तो बाहर। हमें हर टेबल हर सम्मेलन में बैठना जरूरी है ताकि हमें पता तो लगे नौवियत क्या है, उनके फितरत क्या है। वी कैन नॉट लेट चाइना डोमिनेट एनी ग्लोबल फोरा फोरम और अ ग्रुप, इसीलिए हमें हर उस ग्रुप में बैठना है जहां चाइना बैठना है। आप मुझसे पूछे, आपकी उम्मीद इससे बहुत ज्यादा है। देखिए, एजेंडा तो आ गया है, कोविड वैक्सीन ये सब, बट सच बताऊं चीमा साहब, आई हैव नो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ फोरम जहाँ चाइना बैठा हो। चाइना और हमारा सितारे मिलते नहीं है, बट हाँ, वो भी एक पावर है, हम भी एक पावर है। हम उनको, वी कैन नॉट गिव देम अ स्टेज टू डोमिनेट, दैट इज व्हाई वी आर देयर। बाकी वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट फ्रॉम चाइना। रशिया के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को अगर हम चाइनीज डेट ट्रैप से बचा पाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। वी विल काइंड ऑफ स्टैंड द टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप, दैट विल बी अ बिग डील फॉर अस, because both of these countries incidentally are under Chinese attack. और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आजकल अफगानिस्तान और ईरान के साथ खास तौर पे कैसी चल रही है, ये हम बहुत देख रहे हैं कि बार बार बात की जा रही है दोनों कंट्रीज के साथ। तो इतना ज्यादा मैनेज करके और बैलेंस करके जो है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत कमजोर है इस वक्त और हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।
सो सर आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम स्टार्ट यहाँ से लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब तो सभी कह रहे हैं, जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत खराब हो चुकी है, क्या लग रहा है आपको, क्या हमारे एम्बेसडर्स सही पैगाम नहीं पहुंचाते या मैसेजेस नहीं देते उन कंट्रीज में जहां पर हैं, या क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर है? सिर्फ इकोनॉमी ही एक रीजन नहीं हो सकता, ठीक है इकोनॉमी हमारी वीक है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी ही एक मेन रीजन है? देखिए आरजू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर फॉर मी। आपने जो ये प्रश्न पूछा है जो इज इट, क्या ये जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, तो मेरे विचार से ये बिकॉज जो एम्बेसडर्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर द मैसेंजर्स, दे हैव टू टेक कन्वे अ सर्टन मैसेज टू द रिसिपिएंट कंट्रीज, जिस भी देश में हैं उसमें आप अपना मैसेज ले जाते हो। तो ये कहना जो हर जगह वो एम्बेसडर्स ठीक नहीं काम कर रहे हैं, मेरे विचार से वो ठीक नहीं होगा। आफ्टर ऑल देयर शुड बी सम स्ट्रेंथ एंड सम सब्सटेंस इन द मैसेज इटसेल्फ। तो जब मैसेज ही ठीक नहीं है तो मैसेंजर क्या कर पाएगा? तो यू नो इट इज लाइक क्रिटिसाइजिंग द मैसेंजर बिकॉज योर मैसेज इज वेरी वीक। और आपने जो बोला है आई थिंक उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मैसेज पाकिस्तान कन्वे करने का प्रयास करता है उसी में खामी है। देखिए ये कहा जाता है हमेशा दैट फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जो देश जितना मजबूत है, जितना उसमें स्ट्रेंथ है, वही वो प्रोजेक्ट कर पाएगा बाहर के मुल्कों में, जब भी जहां भी उनके एम्बेसडर्स हैं, जहां आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिप्लोमेसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये इसमें है, अगर आपका जो ओरिजिनल है विच इज योर डोमेस्टिक सिचुएशन, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे पीस हो, चाहे सिक्योरिटी हो, या और किसी प्रकार की आप जैसे पॉलिसीज, आप टेररिज्म के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप किन देशों के साथ कैसे अपने संबंध ताल्लुकात रखते हैं, तो ये सब जो चीजें होती हैं इनको आपने बाहर रिफ्लेक्ट करना है, बाहर आपने भेजना है, अपनी इमेज आपने बनानी है। दुनिया में जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है, आलमी कीमतें वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की, और इसी तरह दूसरी जो इजनास हैं उनके हवाले से भी 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, वो 2,000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है, कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे, और जो साहिब सरबत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है, और इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। ये सिर्फ इस खित्ते के अंदर है, चाइना तो पूरी दुनिया में हर जगह पे अपनी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगाई हैं, तो उसे नई मार्केट्स चाहिए। उसको इस वक्त बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया नज़र आई है, इसलिए उसने वहाँ पे उसके साथ ताल्लुकात बनाया, और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता। दोनों के दिलों में यकीनन अभी तक क्लियर नहीं, और ये सब कुछ जो है यहाँ के इस सब कॉन्टिनेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मेहरबानियाँ हैं, वरना आवाम जो हैं वो कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है।